मुझसे लड़ना चाहते हैं ना? छोड़ दे मुझे। दरवाजा खोलो, दरवाजा अमल शुरू करने लगी हूं मैं। एक घंटा लगेगा मुकम्मल होने में। उस वक्त तक तुम्हें घर में दाखिल नहीं होना। जब खत्म हो जाएगा तो फोन करूंगी, वो काजी को लेकर आओ ताकि हम निकाह करें। अब जाओ। रुको, रुको, हिलना नहीं।
इधर आ जाओ फौरन। बाबा साहिब, बाबा साहिब, जल्दी मुझे दो। चलो चलिए, चलो चलो। इनके वर्षा को खबर दे दीजिएगा और डेथ सर्टिफिकेट पर वक्त 12:45 में लिखना है आपको। समीर, समीर बेटे, वो फोन आया मुझे अस्पताल से, अरमान का एक्सीडेंट हो गया है और फरहाना का फोन नहीं लग रहा। मैं असाम से कहती हूँ, वो मुझे फरहाना के पास लेकर जाता है, तुम अस्पताल पहुंचो बेटे। तो अस्पताल कौन सा अम्मी? मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ, लंबा सा नाम है वो, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। खरीद ना वैसे? पता नहीं बेटे, पता नहीं। हेलो। हाँ भाई, क्या सूरत हाल है? शहजाद, वो मेरे कजन की डेथ हो गई है। क्या? कौन से कजन की? अरमान की? हाँ, अरमान की। अभी हॉस्पिटल में हूँ, उसका चेहरा देखा मैंने अभी। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले। अच्छा सुन, मुझे बता कि मैं आऊँ क्या, जो मदद की जरूरत होगी। चल शहजाद, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ देखता हूँ। डॉक्टर साहब, इनके चेहरे को क्या हुआ? क्या गाड़ी को आग लग गई थी? इसको तो मुझे भी नहीं है, ऐसा लगता है चेहरा जैसे आग से झुलस गया हो। थैंक यू। फरहाना, ये क्या हुआ? ये बेहोश हो गई है, हम बाहर से अंदर आए तो दरवाजा खुला हुआ था, वो शराबी की आवाजें आ रही थी तो हम अंदर आए। तो इतनी अच्छी खातून है, सबका इतना ख्याल रखती है, अचानक इनको पता नहीं क्या हो गया। एक काम करो, नीचे मेरा दामाद हसान है,
वो गाड़ी पार्क कर रहा होगा, तुम जरा उसको बुला के लाओ। अस्पताल लेकर जाने से कब से बेहोश है। फरहाना आंखें खोलो। माजी आंखें खोले। हमने पानी के छपक्के वगैरह मारे हैं लेकिन फिर भी इन्हें होश नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ, शोर शराबे की आवाज आई तो हम निकल के अपने घर से आए। आंटी किसी करीबी हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ, जैसे आप कहें। फिर कहती हैं तो जीपीएस कर लो। असम यहाँ से सीधे हाथ पे है शायद बेटे, वो हॉस्पिटल खातून बता रही थी। छोटा सा ही है लेकिन अभी तो फिलहाल ले चलो। हाँ समीर जी। अम्मी। हाँ बेटे, वो चची तुम्हारी बेहोश हो गई है। तो नहीं, शायद अस्पताल से पहले फोन आ ही गया उसको। अम्मी आप ऐसा करेंगे, चचियान को यहीं ले आए इसी हॉस्पिटल में। ये भी ठीक है। बताओ कौन से अस्पताल में है अरमान। आप असाम से बात करवाएं मेरी, मैं बताता हूँ उसको। असाम बेटे जरा ये समझना। जी आंटी। हाँ समीर, कौन से हॉस्पिटल में हो। हेलो। क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल पहली जैसी मिनायल हो गई हो, पहली बेल पे कॉल उठा लेती हो। मेरा दिल बहुत बोझल है अमर, चनी मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। किस बारे में बात कर रही हो। चची जान का अमल उल्टा हो गया, हमारे दरवाजा तोड़ने ने अरमान भाई की जान ली थी। क्या अरमान, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, सिर्फ मैंने बचा सो। लेकिन मिनायल तुमने बताया तो था अगर हम ऐसा नहीं करते तो समीर भाई की जान को खतरा था। मैं जानती हूँ लेकिन इसका कोई और हल भी तो हो सकता था। और क्या ऑप्शन था। क्या हम तुम्हारी चची जान से रिक्वेस्ट करते कि काला अमल ना करे, हम जा रहे हैं हमें सी ऑफ करने आ जाए। दीदी तुम्हारा जोक है, मेरी कजिन की डेथ हो गई और तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। हमारे पास कोई और ऑप्शन कहाँ था मिनायल। चारी चची जान गलत रास्तों पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। तभी बता रही थी कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरमान भाई के अलावा खाई कौन उनकी जिंदगी में। मिनायल यकीन करो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था। पता है तुम्हें, शायद ये पछतावा मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। काश मैंने तुम्हें दरवाजा तोड़ने के लिए ना कहा होता, शायद आज ये सब कुछ ना होता। अच्छा बस करो, हमने जो कुछ किया समीर भाई की जान बचाने के लिए किया। सोचो अगर अल्लाह ना करे हम ये नहीं करते तो क्या कुछ हो सकता था समीर भाई के साथ। ये काले अमल के चक्कर बहुत बुरे होते हैं। जो सोच तुम्हारी चची जान के यहाँ चल रहा है, खुदा ना खास्ता वो तुम्हारे। अच्छा बस चुप कर जाओ, तो तुम्हारे दिल में आता है कह देते हो। क्या करूँ, तुम सीधी तरह बात ही नहीं समझती हो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, भाभी के सर किचन में मदद करने जा रही हूँ। अम्मी चची जान को हॉस्पिटल से लेकर आती होंगी। अच्छा सुनो, सोने से पहले मुझे कॉल कर देना। ओके रात की रात को देख लेंगे। अभी खुदा हाफिज। बस तदफीन किस वक्त है भाई। जोर जोर के बाद जान की तबीयत में बहुत खराब है। अरमान का एहसान था हम पर, सीने तो रहा बिल्कुल इंट्रोड्यूस तो बस बस करो तो नार हो जाओगी। राबेल जाने वाला तो चला गया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। समीर मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है तस्वीन के लिए चले। सामने सोचा था कि अगर चची जान को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ले आया जाए तो। यार देख लो, मुझे नहीं लगता उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें यहाँ लाया जाए। बाकी तो फैसला करो। ऐसा करता हूँ कि मैं अम्मी से बात कर, उनके वानिया आ गए। वानिया, मैं कह रहा था अम्मी से पूछो अगर चची जान थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाए। चची जान की हालत बहुत ख़राब है समीर, मैं हमसे यही कहने आई थी कि अम्मी कह रही है आप लोग जनाजा उठा लें, तो बाहर नहीं आएंगी।
आपने बहुत गलती की। आपको मिनाइल बेटी को लेके आना था, हमने आपसे कहा था, आपको दरवाजा नहीं खोलना था। शाह बाबा आप यकीन करें, मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। वो तो मिनाइल ने मुझे बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो समीर भाई की जान को खतरा था। आपको चाहिए था कि हमें फोन करते, हमसे मशवरा करते। आपके इस अमल से किसी की जिंदगी चली गई, किसी औरत की सारी जमा पूंजी चली गई। अहमद मियां, इंसान गलती का पितला है, सबसे गलतियां होती हैं, कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता है। इसीलिए हमने हमेशा ये ठीक समझा कि इंसान को अपनी गलती का सुधारने का मौका देना चाहिए। खैर, जो अल्लाह को मंजूर हो। जब वो रस्सी खींचता है तो इंसान बेबस हो जाता है। हमें अफसोस है कि हमारी उन खातून से मुलाकात पहले नहीं हुई, वरना हम उनको सुधार लेते। शाह बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ। चलिए, आप भी लाइल्म थे, अब बताइए, कोई और मसला तो नहीं है? शाह बाबा, सब ठीक है, मिनाइल वापस घर आ गई है, मेरे दिल को तसल्ली हो गई है, और आज मामा भी अब्बी से बात करेंगी। मुश्किल से मानेंगे, आपके वालिद साहब जिद्दी हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। आमीन। शाह बाबा, मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। बेटा, जो आपने नेकी का रास्ता चुना है उसको छोड़िएगा मत। जिंदगी की आसाइशें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। असल इंसान वो है जो इन रंगों में रहकर अल्लाह के रंग में रंगा रहे। चले फराना, कब तक खड़ी रहोगे ऐसे ही? अरमान नहीं आया सबूत से, कामरान को कुआ जाकर लिया है, फुरकान को देखो हम बेहिस्से मर गया बेटा स्कूल में। जाओ कामरान को कहो कि फुरकान मर गया, कामरान जाएगा और अरमान को लिया स्कूल से। रात हो गई है। नहीं छोड़ो, नहीं, कामरान को बुलाओ यहाँ, बुलाओ, मुझे याद आ गया, अल्लाह का शुक्र है, कागजात लेकर आए। हमारी जायदाद जो है ना वो मुझे चाहिए दस्तखत करने। तुम लोग क्या समझते हो जायदाद के ऊपर तुम लोग मालिक हो? नहीं, कामरान को बुलाओ। देखो लड़के, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज निकल जाए, चले जाओ यहां से।
अम्मा क्या हुआ, अब यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है? तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। उस लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, सुन लिया तुमने? बहुत समझाने की कोशिश की मैंने तुम्हारे अब्बी को, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं वो। कहा मैंने उनसे कि मनाहिल उस वक्त अपने होश में नहीं थी, तावीजों के असर में थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। फिर अब? अब ये कि थोड़ा वक्त दो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तो फिर कोशिश करूंगी बात करने की। मामा, हम लोगों ने तो अपना फैसला किया हुआ है ना, अब अभी माने ना माने, मेरी शादी मिनाल से होके रहेगी। मैं तो तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। मामा, आपकी और अभी की लव मैरिज हुई थी ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं। हम यहाँ पे उनके साथ रुके, मैं घर छोड़ के चला जाता। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैंने कहा ना थोड़ा वक्त हो, उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वो मान जाएंगे जरूर। और आइंदा कभी इस तरह मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करना। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, सारे खिलाया मेरी जायदाद को, मेरी भूल को। अरे प्लीज प्लीज, अरे छोड़िए ने, छोड़िए ने, क्या कर रहे हैं? अरे आप, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपके शौहर को बुलाया है, वो आ रहे हैं, प्लीज आप रिलैक्स करें। चुप करो, कौन है तुम, किसके वकील हो तुम, किसके वकील हो? नहीं नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं तो आपका वकील हूँ। आपको जायदाद में हिस्सा चाहिए ना, सब कुछ हो जाएगा, बस आप रिलैक्स हो जाइए। फरकान को बुलाओ, मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगी। कहाँ गए हो मेरी जायदाद, मुझे हक चाहिए, मेरे शौहर का, मेरे बेटे का, मेरा सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस आप रिलैक्स हो जाएं, प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। अरमान, मेरे साथ क्या हो गया? अरमान, अम्मी हो रहे हैं भाईजान, जल्दी से आ जाएं, आज नाश्ता मैंने खुद बनाया है। सब हो गया, तुम बस चाय ले लो। निकाय, चलो 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 रैन, जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद स्कूल भी जाना है। लेट्स गो, आ जाओ। भाई वाह वाह वाह, आओ बेटो आपकी चेयर पे आ जाओ। अम्मी कहाँ है? अम्मी को भी बुला लो ना। अम्मी, ओफो, इतना हंगामा क्यों मच रहा है भाई? मैंने तुम सबके उठने से पहले आज चाय पी ली थी। अच्छा, नहीं ये तो अच्छी बात है। सामने मम्मी, क्या खाएंगे? अब कुछ नहीं खाऊंगी बेटे, बस चाय पी ली, गलती कर दी मैंने। तुम बताओ भाई, इनाम से क्या बात हुई? इनाम भाई कह तो रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन यूनिवर्सिटी की वजह से कहां जा सकूंगी। लो, पहले कह रही थी नौकरी करूंगी नौकरी करूंगी, अब वो खुद कह रहा है कि आओ भाई नौकरी करो, तो कह रही है कैसे जाऊंगी। ऐसा नहीं करना चाहती तो ना करे, पढ़ाई पे फोकस करे, वो भी कोई आसान काम नहीं है, नौकरी बाद में होती रहेगी। मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं तो कहती हूँ इंटर्नशिप कर लो, इनाम से कहो तब तक इंतजार कर ले, ढूंढनी पड़ेगी वो भी। आपको दो सखर से क्या खबर आई बेटी? बस उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं तो मैं फैक्ट्री से लेता आऊंगा, आप भी साइन कर देना, मैं भिजवा दूंगा। कमाल की बात है, देखो बगैर किसी लिखत पढ़त के इतने पैसे भेज दिए उन्होंने, अच्छे लोग हैं। लोग तो वैसे वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं देख के आती हूँ।
ये अभी भी वैसे ही भागती जैसे बचपन में आइसक्रीम वाला आता था ना, बिल्कुल उसी तरह भाग के गई। नहीं नो आइसक्रीम, ब्रेकफास्ट पहले खत्म करे अपना, सुबह सुबह नाश्ते में भी आइसक्रीम नहीं खा रही, नॉट आइसक्रीम। ओ उदास हो, नाश्ता खा ले। अच्छा ये अंडा खत्म कर लो तो मैं आइसक्रीम में खिलाऊं, ठीक है? अम्मी वो क्या हुआ बेटे? जमीना आप आई हैं। वो क्यों आई है? माफी मांगने के लिए आया। हमें उसकी माफी की कोई जरूरत नहीं अम्मी। जमीला आप पूरी जल गई हैं, उनके घर में आग लग गई थी। तुम लोग को कोई ना आए। वाजी बाप कुछ पैसे नहीं थे, बाबा साहब के पास गई थी। वहां गई तो उन्होंने बताया कि परारा बाजी और वो आप लोगों पर कोई बहुत भारी इल्म कर रहे हैं। वहां आग लग गई, मैं बाबा साहब को बचाने गई तो मैं भी जल गई। बाबा साहब तो दूसरे दिन ही चल बसे, मैं तब से अस्पताल में थी। आज छुट्टी मिली तो मैं फौरन आपके पास चली आई कि आप मुझे माफ कर दे बाजी। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अरमान तो चला गया जमीला, पता नहीं वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं। पर बाल खाई बाजी, मैं तो पानिया भाभी से भी माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे माफ कर देंगे तो शायद मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। वानिया से भी कहती हूँ, दुआ करो वो भी तुम्हें माफ कर दे। जाओ अल्लाह के हवाले। आता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने अरमान भाई के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उनकी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे कब कैसे? देखो हम दोनों ने अपने अपने वक्त में गलतियाँ की, जो हुआ हो गया उसे भूल जाओ। और वैसे भी कुछ इतना तो नहीं बिगड़ा ना, शादी तो हमारी अभी भी होगी। तो लेकिन ऐसे नहीं, अंदर को नाराज करके नहीं हो। हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, समझे? तुम ये भूल जाओ, मैं अब्बी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है, कभी भी नहीं मानेंगे। तैयार तो वो पहले भी नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारी और आंटी की जिद की वजह से मानते थे, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहते, मुझसे मिले ही नहीं, और मिले भी तब जब मैं जीरे असर थी। श्यामा मैं अंकल से पहले खुद मिलूंगी। मैं तो क्यों कर रही है, अगर तुमने उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की हुई और उन्होंने तुम्हें सुना दी फिर? अगर उन्होंने कुछ कहा भी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा मेरे लिए मेरे बाबा की जगह है, तो फिक्र ना करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। लो चाय।
माफ करते हैं प्लीज। मुझे तुम्हारे माफी की जरूरत नहीं। आंटी बता रही थी आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके घर बेटी हो। इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत गहरा ताल्लुक है। आपकी दुआ कबूल हो गई, आपकी बेटी आपके घर आ गई है। देखो लड़की, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज निकल जाए चले जाओ यहां से। अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देते हैं। हम तो फिर इंसान है, कल उस टाइम में जेरे असर थी, मैं दिमाग से सोचने से कासिर थी। मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट किया है, हमेशा आपको बाप की जगह सोचा। कल एक दफा मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेइज्जती की थी आपने हमारे घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है। रिश्ता लेकर आए थे आपका, इज्जत देने आए थे आपको। मैंने बहुत गलत किया था, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आप पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? पापा तो नहीं रहे, क्या मुझे बाप का प्यार नहीं मिल सकता? क्या चाहती? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आए, मुझे एक मौका और दें। माफी मांगना चाहती हूँ। ये कि वो सब कुछ मैंने जानकर नहीं किया था, लेकिन आपके साथ ज्यादती हुई थी। अपने घर वालों के सामने, आपके घर वालों के सामने, सबके सामने आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज चीनी एक चम्मच लेता हूँ। हसान जल्दी करें, कितना टाइम है आपको? समीना आंटी और जमाल अंकल आने वाले हैं, अम्मी की कॉल आई थी, हमें उनसे पहले पहुंचना है। अरे भाई बस हो गया रेडी, बस क्या जल्दी है, कर कर चले। चाय तो पीने दो एक। नहीं हसान, मैं वहां जाके आपको बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी, चल चलिए। से वानिया बेटे खाने का क्या हुआ, आने वाले होंगे? अम्मी सब बन गया है, बस मैंने चावल अभी दम पे लगा दिए, वो भी हो जाएंगे, सो एवरीथिंग इज रेडी। फैंटास्टिक। आप भी गए देखो शायद, समीर बेटे देखो वो आ गए शायद। और सब खैरियत? बिल्कुल। कोफ्तों का क्या हुआ, कोफ्ते कहा था हमें मनाए? कोफ्ते बन गए जमाल भाई। वानिया अस्सलाम वालेकुम। समीना आंटी रेडी है, मटर पुलाव भी रेडी है और आपका चिकन कोरमा भी रेडी। आप इस बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ थोड़ी देर। ऐसा भी पहली बार ही हुआ होगा कि मेहमानों ने बताया कि वो क्या खाएंगे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जमाल भाई। बस वो मनाहिल ने पहले जो किया, मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ।
मैं कब का भूल चुका। वैसे भी मैं पहले भी हम लोग कुछ मांगने आए थे और इस बार भी वही मांगने आए हैं। बस आप हमारी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, हमें हमारे बेटे की मोहब्बत दे दीजिए। अरे है कहाँ, बुलाओ ना। पूरा दिन लगा के आप लोगों के लिए कोफ्ते बनाए हैं, अब तैयार होने गई है। वानिया बेटे बुला लो मनाहिल को, कहो आ जाए। अच्छा मैं बुला रही। यकीन जाने ये इतनी प्यारी बच्ची है, अगर मैं उससे दोबारा नहीं मिलता ना तो कभी भी राजी नहीं हूँ। बस यूं समझिए हमें हमारे बेटे की पसंद पसंद आ गई। आपकी अमानत है जमाल भाई, जब दिल चाहे ले जाए। जी जी आ गए हैं वो लोग, नीचे ही बैठे। जाहिर सी बात है सामने ही तो घर है, और कितनी देर लगनी थी। अब तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये अल्लाह की काम है मिनाइल बीबी, हमारी इतनी मजाल। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी रिश्ता हुआ नहीं है, एक बार फिर से इनकार कर दूंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो अब भी माने, अगर इस बार कुछ मसला हो गया ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है फरजाना, फिर बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। फरजाना, फरजाना की अम्मी अबू नीचे आए हैं, चले। जी चले, आप भी ना भाभी। कौन है? मेरा बच्चा भूखा है घर पे, कौन है मुझे मेरे घर जाने? ये सब वो मेरा कर रही है, तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। मुझे मेरी जमीन मिल जाए, बदला लूंगी मैं, बदला लूंगी। उमेरा को तो मैं मार दूंगी, उमेरा को मैं मार दूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी। निकालो मुझे, खोलो बदबख्तो, खोलो खोलो मुझे, खोलो फौरन, खोलो खोलो मुझे, खोलो खोलो। मेरे घर जाना है, मैंने उमेरा को मारना है, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी उसकी कुल्हाड़ी के साथ, मैं उमेरा को नहीं छोड़ूंगी।